स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइव में दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में ठीक क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो आप सब दोस्तों के एग्जाम में काफी हेल्प होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो वह बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे और आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस टॉपिक में दोस्तों आपको साधारण ब्याज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को आसानी से सेकंडों में हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सब वीडियो में बने रहिए दोस्तों और इन प्रश्नों को जरूर नोट कीजिएगा। चलिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप ट्रिक अपनाएं क्या दोस्तों। यहाँ पर ट्रिक है आपका n1-1/n2-1 बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप अपना सकते हैं t1/t2। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर रखते हैं मान दोस्तों और हम हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी रहती है तो दोगुनी है ना, पहले दोगुनी, देखिए पूरा गुनी का बात कर रहा है दोस्तों। n1 का मान हो जाएगा 2-1 हो जाएगा, भट्टे में देखिए बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे गुनी गुना का बात किया है, 7 गुनी यहाँ हो जाएगा 7-1 के हिसाब से। चलिए बराबर देखिए 5 वर्ष दिया ना, 5/5 हो जाएगा आपका t2। ठीक है, समझते हैं दोस्तों, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 7 में से 1 गया दोस्तों, क्या बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, बराबर हो जाएगा 5/5 t2। ठीक है ना, तो आप फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ t2 बराबर क्या आ जाएगा 5/6 30। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको ये ट्रिक से समझ में आ रहा है। देखिए एक बार तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं ट्रिक से। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर टाइम निकालना है आपको, तो आप ट्रिक अपनाएं क्या दोस्तों, n1-1/n2-1 = t1/t2। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले n1 का मान क्या दिया है, 3 गुनी दिया ना, 3 गुना हो जाती है, यहाँ पर हो जाएगा 3-1/1 देखिए दोस्तों n2 क्या दिया है, 4 गुनी, तो 4 हो जाएगा -1 = t1। t1 का मान क्या है दोस्तों, 20 वर्ष, 20/2 आपको t2 निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, 3 में से 1 गया 2। ठीक है ना, 4 में से 1 गया दोस्तों, क्या बचेगा 3 = हो जाएगा दोस्तों 20/t2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 में गुणा 3 का कितना दोस्तों, 10 या 30, 30 वर्ष आपका सही आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, 30 वर्ष आप दोस्तों 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आपको समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हाजिर है, चलिए यहाँ पर तीसरा कह रहा है एक धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, देखिए इसमें भी 2 गुना का बात किया है, वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए दोस्तों, देखिए वही फॉर्मूला है भाई, n1-1/n2-1 = t1/t2। ठीक है, बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यदि आंसर आ रहा है तो आप मेरे आंसर देने से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इस प्रश्नों को दोस्तों जितने भी वीडियो में प्रश्न हैं इस वीडियो में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे पहले यहाँ पर 2 गुनी बोला है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2-1। ठीक है, यहाँ पर 4 गुनी दोस्तों 4-1 = हो जाएगा कितना दोस्तों, जी हाँ 7 बोला है सबसे पहले, और बट्टे में t2 का मान निकाल देना है, 2 में से 1 गया दोस्तों यहाँ पर 1 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा = हो जाएगा 7/t2। ठीक है ना, अब देखिए t2 में गुणा करेंगे 1 का t2 हो जाएगा, यानी वर्ष 7 के 21। ठीक है दोस्तों, 21 वर्ष आपका आंसर आ गया दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर इसमें है बी में आंसर है। देखिए दोस्तों एग्जाम में जो है समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको ट्रिक से ही बनाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है देखते देखते मैं ऊपर ही आंसर बोलता बिना कॉपी और बिना पेन। ठीक है दोस्तों, और आप भी जो है इसका आंसर दे पाइएगा, बस वीडियो में बने रहिए और 2-3 बार वाच अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चौथा
चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कोई धनदास लीजिए है वो टाइप वन था या टाइप टू आ गया दोस्तों। ये दोस्तों टाइप टू है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या बोला है इसको भी हम ठीक से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा सीख पाएंगे आप। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यानी 6 वर्षों में दिमाग लगे दोस्तों, 6 वर्षों में क्या होगा दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ध्यान दें दोस्तों, यहाँ बोला उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में 8 गुना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं तो 8 गुना कितने समय में हो जाएगा ना। चलिए अब दिमाग लगाइए दोस्तों कि क्या 2 को हम कैसे लिखें, ये दोस्तों 2 को हम कैसे लिखें कि वो 8 के बराबर हो जाए, तो क्या 2 के पावर 3 कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं, ये देखिए 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो आपको काम करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, जी हाँ दोस्तों 6 से वर्ष से और पावर से गुणा करना है, 6 से यानी वर्ष से, वर्ष गुणे पावर से मल्टीप्लाई करना है, इसको छोड़ देना ठीक है। 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 18 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 18 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। कोई धन 5वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, 4 वर्षों में 3 गुना यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 वर्षों में क्या है, जी हाँ 3 गुना हो जाता है, 3 गुना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा उसी समय से, ठीक है। यहाँ पर निकाल लेंगे T2 दोस्तों, और 27 गुना कह रहा है दोस्तों, यहाँ 27 गुना कब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको काम करना है, क्या ट्रिक अपनाना है ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक क्या अपनाना है कि 3 को हम क्या लिखें पावर में कि जो है 27 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, बोलिए 3 के पावर 3 कीजिएगा तो 27 आ जाएगा दोस्तों, इसको एक खत्म हो जाएगा आपस में। देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, तो 4 में गुणा करेंगे 3 का, तो आपका T2 आ जाएगा दोस्तों, कितना वर्ष ये दोस्तों 12 वर्ष समय लगेगा दोस्तों, 12 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको 5वां क्वेश्चन में ठीक से एकदम समझ में आ गया दोस्तों, और आप एग्जाम में इस बार गर्दा गर्दा मचाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, पर सवाल जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी आपके सामने आ गया, कह रहा है दोस्तों क्या एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को भी आप ठीक से बनाएंगे, यही उम्मीद रखते हैं। चलिए आपको यदि आ रहा है दोस्तों तो आप पहले बना सकते हैं, देखिए यहाँ बोला है 3 वर्षों में, क्या बोला है 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ध्यान लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 3 वर्षों में क्या होती है 3 गुनी हो जाती है, कह रहा है वह अपनी मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है समय ज्ञात करना है कितने वर्षों में रहती है 9 गुनी, ठीक है ना। अब देखिए आप 3 को क्या लिखेंगे कि 9 के बराबर हो जाए दोस्तों, 3 को क्या लिखेंगे 9 के बराबर हो जाए, आप बोलेंगे 3 के पावर 2, ठीक है ना। अब देखिए खत्म हो जाएगा आपस में, इसको नहीं मतलब है, अब 3 से गुणा करेंगे पावर से, ठीक है, यानी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे पावर का, 3 × 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका T2 निकल गया, 3 × 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 6वां क्वेश्चन भी ठीक से आ चुका है, और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिनकि आसानी से सवालों को उड़ा पाएंगे, आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों अपना प्यार और दीजिए, और जो भी कभी विषय दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, ठीक है दोस्तों। मैं राज आपका स्वागत करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।